डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट को और इनकी प्रॉपर्टीज को याद करने का सब खेल अब खत्म करो बच्चों, फटाफट सब तैयार कर डालो, नहीं पता है तो सब ट्रिक सीख लो, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आपका नीट का फॉर्म भी कल आ गया, फॉर्म फिल करना शुरू कर, और एक टारगेट के साथ पोटेंशियल के साथ लगिए और इस साल सिलेक्शन ले डॉक्टर और आई का एक टैग अपने ऊपर लगाने की कोशिश भी करो। तो बच्चों आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाई पीसी सर पर, और आप तो जानते ही हैं सारे नीट और आईटी के कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलते, तो फिर आप इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, जला कुछ भी नहीं मगर आँच आई बहुत है, और इस बात में सच्चाई बहुत है कि यूँ ही नहीं चलने लगी ये दुनिया मेरे पीछे, पहले इस दुनिया ने मुझे ठुकराई बहुत है। तो कुछ करके दिखा दो, आइए कैसे डी ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करते हैं। पहले डी ब्लॉक एलिमेंट को याद करने के देखते हैं, पहले देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट, जरा एलिमेंट के नाम से परिचय हो जाइए। तो आइए, ये 3D सीरीज है, 4D सीरीज के एलिमेंट हैं, 5D सीरीज एलिमेंट हैं और 6D सीरीज के एलिमेंट। सबसे पहले 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट थे जरा देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यानी 3D विल बी स्टार्टेड फ्रॉम स्कैंडियम एंड एंड अप टू, 3D की स्टार्टिंग स्कैंडियम होगी और 3D खत्म हो जाएगा जिंक पर। फिर से जरा नाम से मिलिएगा, याद तो चुटकियों में कराएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, ट्रिक बताएंगे, भले एक बार नाम से तो मिल लो। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। आइए 4D एलिमेंट से मिल लेते हैं, याद तो चुटकियों में कराएंगे, ट्रिक से कहीं टेंशन ले रहे हो, पहले नाम से तो मिल लो। 4D स्टार्टेड फ्रॉम एट्रियम एंड एंड अप टू कैडमियम, एट्रियम से स्टार्ट होगा 4D और खत्म हो जाएगा आके कैडमियम। आइए जब मिलते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, स्कैंडियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक के बिना कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको डी ब्लॉक नहीं आएगा तो इसके क्वेश्चन तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ ये कोऑर्डिनेशन को भी लेके डूब जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पूरा दारोमदार किस पर डिपेंड है, डी ब्लॉक। लैंथेनम से स्टार्ट होगा 5 और ये फिनिश हो जाएगा मरकरी पर, क्यों याद हो जाएगा, पहले एक बार इंट्रोड्यूस हो। लेंथ हफिनियम, टैंटेलम, टंगस्टन, रिहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। लैंथेनम, हफिनियम, टैंटेलम, टंगस्टन, रिहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। और 6D के इस्तेमाल तो रेयर होते हैं, अदर फोर्डियम, डिवोनियम, सिवार्गियम, इस तरह से आप करते हुए चले आएंगे तो ये आपका आ जाएगा 6D भी, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल होता है 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, लेकिन हम याद सब करवा देंगे ट्रिक से, आप जरा भी चिंता मत लीजिएगा, क्योंकि ये सब 6D वाले न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आपके कम आएंगे, लेकिन 3D, 4D एंड 5D सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली होने वाले एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक में। अभी आपको याद करा रहे हैं चुटकी, क्योंकि ITJEE और नीट के कंपटीशन को आप बीट करने चल रहे हैं तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। कभी भी आप अगर ITJEE और नीट की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर अनावश्यक किसी से बहसबाजी में मत पड़िएगा। आपका कोई फ्रेंड आ गया, आपके पढ़ रहे थे, आपको डिस्टर्ब करके चला गया, भाई इसका जरा आंसर बता, अरे तुझे ये नहीं आता, IT की तैयारी कर रहा। अब आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन, जबकि ये सवाल उसको खुद नहीं आता था लेकिन आपको उलझा के वो चला गया, और चला गया अपना तो मजे से पढ़ेगा और अच्छा पढ़ के सिलेक्शन भी ले लेगा, लेकिन आपको डिस्टर्ब करके चला गया। अब आप एक दिन, दो दिन, चार दिन डिस्टर्ब रहेंगे, अपने गुरुओं के पास दौड़ते रहेंगे, नेट में सर्च करते रहेंगे, यूट्यूब पर, गूगल में, इसका आंसर क्या हो, उसका आंसर का संबंध कोई भी आपके IT में उस वैरायटी का सवाल नहीं आने वाला है जिस तरह लेके आप बहुत टेंशन में घूम। अभी जंगल एक गधा घूम रहा था, अब जंगल है तो बहुत सारे जानवर हैं, एक गधा घूम रहा था जंगल में, इसे चुटकियों में याद करा रहा हूँ, जंगल में घूम रहा है और उधर सामने से एक बाघ आ रहा है, गधे की मुलाकात बाघ से हो गई और इन दोनों में मुलाकात हुई और बात ही बात में बात छिड़ गई, तो गधे ने कहा
तो गधे और बाघ में बहस छिड़ गई। गधे ने कहा ये ब्लू कलर की घास, तो बाघ ने कहा कि घास ब्लू कलर नहीं, घास ग्रीन कलर का होता है। तो गधे ने कहा कि नहीं, घास ग्रीन नहीं, घास ब्लू कलर का ही होता है। और इस बात पर काफी कहा सुनी हो गई और बाघ को बहुत गुस्सा आ गया गधे को। लेकिन गधा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि घास ग्रीन कलर की होती है। गधा बोल रहा है कि घास तो ब्लू कलर की होती है भाई। अब इस बात के फैसले के लिए तो गधे ने कहा इस बात का फैसला होगा आप जंगल के राजा शेर के पास, जो शेर कहेगा वो मैं मान लूं। दोनों शेर के पास गए, शेर सामने बैठा था, उन्होंने अपनी बात को रखा। बाघ ने कहा कि सर हम कह रहे हैं कि घास ग्रीन कलर की होती है, लेकिन ये कह रहा है कि घास ब्लू कलर की होती है, आप बता किसका जवाब सही। शेर ने तुरंत आदेश दिया कि बाघ को उठा के जेल में डाल दिया। अब लोग बाघ को पकड़ के जेल में ले जाने, बाघ चिल्लाने लगा साहब मेरा सवाल का जवाब सही है, साहब मेरा जवाब सही है, इसके बाद ही आप मुझे ही जेल में डाल रहे हैं। शेर ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन जेल में तुम्हें ही डाला जाएगा। तो बाघ ने पूछा क्यों, तो शेर ने जवाब दिया तुम्हें जेल में इसलिए डाला जाए जवाब सही होने के बावजूद भी, क्योंकि तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि तुमने गधे से बहस लड़ाया क्यों। गधे से बहस लड़ाया इसलिए जेल में डाला जाएगा, यही काम आपके साथ होता है कंपटीशन। कोई गधा आके आपको डिस्टर्ब करके चला जाता है और आप अनावश्यक में उलझ के अपने कंपटीशन से दूर हो जाते हैं, दिमाग में फ्रस्ट्रेशन ले लेते हैं, आप एग्जाम में, नीट का एग्जाम है, आईटी का एग्जाम है, और आप धोखा खा जाते हैं। तो इस कहानी से आपको ये सीखना है कि आपको अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है, दहिने बाएं गधों के चक्कर में नहीं पड़ना है कि जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को जेल में डाल दूंगा। जय याद करने की ट्रिक देखिएगा, साइंस इसका एंडियम मतलब साइंस, साइंस टीचर, साइंस का टीचर नोट करिएगा, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, ठीक, कृपलानी मैडम एक साथ, कृपलानी साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैडम मांगे, मांगे मतलब मैग्नीज, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जान। तो बस याद कर लीजिए, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैडम मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, जाने जिंक, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर चांदनी, चांदनी ओ मेरी चांदनी, गाना सुना कैसे याद करेंगे, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर चांदनी, लाया हूँ तेरे वास्ते रहमते उस इश्क, इश्क मतलब इरिडियम, पर सोने मरने, पर प्लेटिनम, सोने सोना गोल्ड, मरने मरकरी, तो एक साथ आप याद कर लेंगे, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर कोई दोस्त, लाया हूँ तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर सोने। अब देखिए 6D को भी याद कर लेंगे फट से, कैसे, रदरफोर्डियम, इसका क्या नाम है, रदरफोर्डियम, डिबॉर्गियम, सिबॉर्गियम, ऐसे याद होता है। तो रदरफोर्ड डूब गया सागर, रदरफोर्ड डूब गया सागर में, भाई हंस मत 10 रोग खड़े हैं कोने में। तो याद कर लेंगे, रदरफोर्ड डूब गया सागर में, भाई हंस मत 10 लोग खड़े हैं कोने में। तो बस फटाफट एक लाइन में याद कर लेंगे, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैडम मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर चांदनी, लाया हूँ तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर सोने मरने, रदरफोर्ड डूब गया सागर में, भाई हंस मत 10 लोग खड़े हैं कोने में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।